नमस्कार साथियों, क्रांतिकारी युग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद और अभी हम है डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर, जिनके बारे में बता दूं मैं। सामाजिक न्याय की पाठशाला चलाते हैं और जितने भी बहुजन मूवमेंट पे है उन पर अपनी नज़र रख बेबाक तरीके से हर यूनिवर्सिटी कॉलेज और देश के कोने कोने पे अपना व्याख्यान देते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है क्रांतिकारी युग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद जी। सर, एक सवाल ये था कि देश में लगातार जो शिक्षा को लेकर एक कानून बना है उस पर लगातार हमला हो रहा है, जिसमें बहुजन तबके के लोग किस प्रकार से इसमें नुकसान होगा सर? वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो अच्छा ये है कि आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी के दिन जब क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले को हम याद करते हैं उनकी जयंती पर, तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किया था महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर के, फातिमा शेख उस्मान शेख के साथ मिलकर के, वो शिक्षा का काम था। और हमारे सामाजिक न्याय के जितने भी पुरोधा रहे, जितने भी नायक नायिकाएं हैं, विचार वो दार्शनिक जो भी आप कह लीजिए, उन सारे लोगों ने ये एक बात तो जरूर कही थी कि शिक्षा के बिना कोई मुक्ति नहीं है। और इवन हम लोग जिस भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध की प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं, तो ये रोशनी सबसे महत्वपूर्ण रोशनी इन्हीं के यहाँ से आती है। तर्क की रोशनी है, वो ज्ञान की रोशनी है। तथागत बुद्ध को इसलिए हम अपने वैचारिक पुरोधाओं में सबसे आगे रखते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि आप कैसे बुद्धि से सोच करके बुद्धत्व प्राप्त करना, समाज में जो भी गैर बराबरी है उसको दूर करना और एक शांति वाली सत्य अहिंसा वाली दुनिया बनाना। सत्य अहिंसा का विचार जो है तथागत बुद्ध का है और भारत में लोगों को पता ही नहीं होगा, लोग कहते होंगे कि महात्मा गांधी का विचार है। अच्छी बात है, लोग तथागत बुद्ध को मानते हैं, ये मानना चाहिए। उस पूरी विरासत में जो काम महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने किया, जो काम ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने किया, जो काम बाबा साहब ने किया, वो शिक्षा का था, लोगों को जागरूक करने का था। और यह सब लोग ये मानते थे कि आपकी मुक्ति, आपकी बराबरी बिना शिक्षा के नहीं होगी। तो जब 1950 में भारत आजाद हुआ, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद तो इस देश का इम्तिहान था कि आपने हजारों साल से इस देश के कमेरा लोगों को, श्रमजीवी लोगों को सबसे ज्यादा कहां लात मारी? पेट पर ही नहीं, उनके आत्मसम्मान पर ही नहीं, उनके दिमाग पर लात मारी, उन्हें पढ़ने नहीं दिया। और 100% आरक्षण इस देश में 5% लोगों ने शिक्षा पर काबिज कर लिया। तो भारत की आजादी के बाद तो पहली बार शिक्षा इंक्लूसिव होनी थी। और अब अभी तो सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, आप सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत देख लीजिए। अगर सरकार शिक्षा नहीं देगी, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा नहीं देगी, तो जिसकी जेब में पैसा नहीं है, जिसकी पीढ़ियों में कोई स्कूल का मुंह देखने नहीं गया, उसको शिक्षा कैसे मिलेगी? तो नई शिक्षा नीति एक ऐसा कानून बन गया है जो अब ये तय करेगा कि जैसे मनुस्मृति का समाज था ना, कि आप कौन पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब वो तय करेंगे। और सरकार ने ये तय कर दिया कि सबको शिक्षा अब नहीं मिलेगी। सर, लगातार देख रहे हैं कि ओबीसी समाज है, जो बहुत संख्यक समाज है, देश का हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, लेकिन आज उनके जो भागीदारी है, चाहे वो पॉलिटिक्स में कहा जाए या प्रशासनिक लेवल पे कहा जाए या यूनिवर्सिटी की बात करें, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की काफी कमी है, नहीं के बराबर है, इसका क्या कारण है सर? क्या ओबीसी में कोई योग्य व्यक्ति नहीं हो पा रहा है या फिर सरकार उसको दखलअंदाजी कर रहे हैं? जो मनुवादी लोग हैं, जिन्होंने सदियों से हकमारी पर ही परजीवी लोग हैं, इनको हम लोगों के यहाँ बड़ा अच्छा नाम होता है कि हम 90% लोग श्रमजीवी लोग हैं, मेहनत से कमा के खाते हैं, उन्होंने दुनिया बनाई है। इन श्रमजीवी लोगों के हाथों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया। और जो परजीवी था उसने दूसरे की मेहनत पर कमाई की। हमारे एक अर्जक संघ हुआ करता था, ओबीसी की जब भी बात आती है तो 2 संगठनों का नाम लेता हूँ। हालांकि बार बार कहता हूँ कि महात्मा फूले को बाबा साहब ने अपना तीसरा गुरु बनाया था और महात्मा फूले ओबीसी जात से आते थे, माली जात से आते, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार चरवाहा जात से आते, शाहू जी महाराज ओबीसी समाज से आते हैं, तमाम वैचारिक। त्रिवेणी संघ बना था बिहार में 1928-30 के आसपास और 1950-60 के आसपास अर्जक संघ बना, इसमें ज्यादातर ओबीसी समाज के लोग थे, पेरियार ललित सिंह यादव,
रामस्वरूप वर्मा, बिहार में जगदेव बाबू थे, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु थे, शिवदयाल सिंह चौरसिया जी 1930 में ही आदि हिंदू सभा बनाए, तो ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो आर्य हैं। तो शिवदयाल जी ने कहा कि जब तुम आर्य हो तो हम भी हिंदू नहीं। तो उन्होंने डिप्रेस क्लासेस लीग में उसका वो किया और 48 में जब अधिवेशन किया तो बाबा साहब को पेरियार को लखनऊ बुलाया। तो ऐसा नहीं था कि ओबीसी समाज में जागरूक लोगों की कमी थी, ओबीसी समाज को दिशा दिखाने वाले हमारे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने काम किया। आज महात्मा माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले माली जाति से आते हैं ना, तो आज माली घरों में आप ज्योतिबा फुले की तस्वीर नहीं पाएंगे। दिक्कत ये हुई, हमारे यहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है, वो केवल ओबीसी समाज का नहीं हुआ है, सभी समाजों का हुआ है। आज 3 जनवरी है, आज जयपाल सिंह मुंडा का भी स्मृति दिवस। वो जयपाल सिंह मुंडा को अगर आप निकाल दें तो भारत की संविधान सभा की बहस कितनी अधूरी हो जाएगी। वो जो संविधान सभा की बहस में बैठ करके कहते हैं कि मैं हजारों साल के इतिहास में भारत के उस तबके का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिन्हें आप लोग आदिवासी जंगली क्या क्या कहते हो, लेकिन हम मूल निवासी हैं यहाँ के, और आप हमको लोकतंत्र मत सिखाओ, हमसे लोकतंत्र आप सीखो। सोचिए ना, भारत में ऐसे ऐसे लोग रहे, उनके इतिहास को मिटा दिया गया। तो जो सवाल आपने किया है कि किसी भी समाज में, वो ठीक बात है कि ओबीसी आज आधी आबादी है, जिस दिन ओबीसी को समझ में आ जाए कि हमारे आधे लोग हैं, 52% आबादी तो उनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने बताई, 1931 के बाद से जात जनगणना हुई नहीं, 51 से दलित और आदिवासी को चूंकि उनके आरक्षण को उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया था, तो जिन जनसंख्या करते हैं उनकी जनगणना करते हैं 80 और 80 की, लेकिन 80 की जनगणना में डेटा बताकर उसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, ओबीसी की नहीं करते। अब ओबीसी के बीच में यह बात समझ में आने लगी कि हमको तो हिंदू बनाया दंगा कराने के लिए, अगर हम भी हिंदू हैं। मैं ये सवाल ओबीसी लोगों से पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ, जहां जाता हूँ वहां पूछता हूँ कि अगर ओबीसी समाज के सारे लोग हिंदू थे, सनातनी हिंदू थे, दंगा करने में आगे आगे रहे, मंदिर जाने में आगे आगे रहे, कांवड़ ढोने में आगे आगे रहे, तो 52% जब मंडल कमीशन ने आबादी बताई है तो 52% प्रोफेसर हैं क्या ओबीसी के आज सारे विश्वविद्यालयों में? 52% जज जितने बने हैं देश भर में उनको ओबीसी होना चाहिए था कि नहीं? ब्यूरोक्रेसी में जितने आईएएस पीसीएस कैबिनेट सेक्रेटरी तक जितने हैं उनमें आधे ओबीसी होने चाहिए कि नहीं? ये सवाल जब मैं पूछता हूँ तब लोगों को समझ में आता है कि हमेशा तो धोखा हो गया, जो मेरिट मेरिट हमारी मेरिट चेक कर रहा था वो सबसे मेरिट विरोधी आदमी था, उसकी अपनी कोई मेरिट नहीं थी। इस देश में ब्राह्मणों की क्या मेरिट है? वो मेरिट यही है कि ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों पर, धन संपत्ति पर हकमारी कर लो और वो फिर दिमाग से शासन करते। किसी की भी सरकार रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, लेफ्ट रहे, राइट रहे, सेंटर रहे, ब्राह्मण हर जगह मिलेगा आपको। तो जो मेरिट खोज रहा है ना, वो वही मेरिट खोज रहा है कि जिसने इस देश में, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ इसको आपके चैनल के जरिए, छत्तीसगढ़ में बैठा हूँ उन लोगों के बीच में, पता है जो श्रम करता है ना, वो जब एक काम करता है, एक श्रमिक, एक श्रमजीवी, तो अपना पूरा दिमाग, पूरा वजूद उसमें लगाता है। आप मीडिया से जुड़े हुए मान लीजिए, तो आप इसमें रोज सोचेंगे कि ये माइक और बेहतर कैसे हो, आपका कैमरा और कैसे बेहतर हो, किस जगह पे जाके। इसके पीछे आप एक और चीज सोचेंगे, क्या नया विचार मैं कवर करूं मीडिया में जो लोगों के बीच एक हलचल पैदा करे, तो आप शोध करेंगे ना। अब मान लीजिए मेरा माइक से कोई काम नहीं है, तो मैं शोध करूंगा आपके खेत में? नहीं करूंगा। जिस जो रोज वो काम करता है, इस देश में कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, जो कमेरा जाति के लोग थे ना, वो शोध करते थे। एक बढ़ई शोध करता था कि लकड़ी को कैसे औजार बनाना है, पत्थर को कैसे औजार बनाना है, शोध करते थे लोग जो काम करते थे हाथ के, उन लोगों को इन्होंने विश्वविद्यालय से दूर रख दिया। और जिसने कभी जीवन में कोई श्रम ही नहीं किया, वो शोध कैसे करेगा? तो इसलिए आज देखिए, देश के 500 विश्वविद्यालय दुनिया भर में है ना, उसमें एक भी भारत का नहीं मिलेगा आपको ढंग का। ये इसलिए क्योंकि जो मेरिट चेक कर रहा था उसकी अपनी मेरिट खराब थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बस एक मेरिट से चला रहा था कि वो ब्राह्मण है, समण है, 90% प्रोफेसर उनके, 90% वकील उनके, जज उनके, व्यापारी उनके, उद्योगपति उनके, 90% जमीनें उनके पास। तो इसलिए आज केवल ओबीसी समाज को जागने की जरूरत नहीं है, ओबीसी को तो ज्यादा, अब तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब, बिरसा फुले, अम्बेडकर, पेरियार, इसमें क्या हुआ ना कि मनोहर कांशीराम हो या जितने भी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, उन्होंने दलित और आदिवासी तबके को समझाया,
कि तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं। ओबीसी को अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, उसे ज्यादा समझाने की जरूरत है। और ओबीसी समाज के बीच अब एक नौजवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हुई है जो विश्वविद्यालयों से लेकर के गाँव तक अब जागरूक हो रही है। अब वो कांवड़ नहीं धोने जाती, अब वो सवाल पूछती है कि तुमने NFS कैसे कर दिया ओबीसी को। तो अब लड़ रहे 13-point रोस्टर पे वो लड़े, SC ST एट्रोसिटी एक्ट में जब आप हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी कितना मजबूती से लोग लड़े थे और बिलासपुर छत्तीसगढ़ का माहौल बदल रहा है, आप देखेंगे कि उसमें जो समझदार और जागरूक ओबीसी होगा वो आपके साथ खड़ा होगा। अभी है, अभी दिक्कत है, अभी उतना नहीं खड़े हो पा रहे, लेकिन समाज बदल रहा है लगातार देखा जा रहा है। तो जो केंद्र हो चाहे राज्य हो, तमाम तरह के जो शासन प्रशासन आते हैं वो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। खासकर अभी रामलला को ले लीजिए, इस पर काफी हलचल हुई पूरे देश भर में लगातार। इसमें खासकर जो बहुजन तबके के लोग भी इससे काफी प्रभावित हो रहा है। इसको कैसे एक मंच पर लाया जाए और कैसे समझाया जाए कि हमारी लड़ाई मंदिर का नहीं, हमारा लड़ाई शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, इसको कैसे समझा सकते हैं सर? अब देखिए ये एक चुनौती है हमारे समाज में, हुआ ये ना कि बच्चे के पैदा होने से घर में किसी सदस्य के मर जाने तक धर्म आपके जीवन में है। अब उसे कोई भी रूप ले लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप लोक परंपरा कह लीजिए या कोई मान्यता कह लीजिए, धर्म को इतना गहरे बना दिया, दुख हो सुख हो सब धर्म का कोई भजन गा रहा है, कोई उसमें खुश है। मेला देखने पता है गांव की महिलाएं और बुजुर्ग जो ऐसे घर से बाहर नहीं निकल सकते धर्म के नाम पर निकलते हैं। जो सांस्कृतिक पूंजी है ये, इसलिए लोगों के जहन में बड़े भीतर तक धर्म धंसा हुआ है। बाबा साहब ने एक बड़ी कोशिश की थी, या जितने सामाजिक न्याय के पुरोधा थे उन्होंने कोशिश की थी, पेरियार साहब ने की, कि आपके जीवन में जो जगह धर्म की है उसको हटा करके विचार को रखो। आप भी उत्सव मनाओ, आप अपने नायकों नायक नायिकाओं को उत्सव मनाओ, आप मेला लगाओ। मान्यवर कांशीराम मेला लगाते थे पेरियार ऑन व्हील, फूले ऑन व्हील, अम्बेडकर ऑन व्हील, साइकिल पर पेरियार साहब की बाबा साहब की तस्वीरों को लेके गांव-गांव जाते थे, मेला लगाते थे। तो जब जब हम धर्म की बात जब भी करें तो हमें विकल्प देना होगा। अगर हम विकल्प नहीं देंगे तो जिसके पास शिक्षा ही नहीं पहुंची, जिसके पास कोई समझदारी ही नहीं बन पाई है, उसके गांव में 100 घरों में 1-2 घर पुजारी का होता है, पंडित का होता है, वो समझा देता है कि तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं है, तो एक तो वैसे ही गरीब है, कमजोर है, अशिक्षित है, बीमार है, बेकार है, वो तुरंत धर्म के झांसे में आ जाता है। शिक्षा एक ऐसी चीज थी जो उनको धर्म से निकालती, और इस देश में इसीलिए शिक्षा बर्बाद की जा रही है। हम अपने बेटे बेटियों को पढ़ाना नहीं चाह रहे, इसलिए टीवी पर धर्म परोसा जा रहा है। दुनिया में टीवी आई तो उससे विज्ञान विज्ञान का आविष्कार है टीवी, भारत में विज्ञान के आविष्कार पर ज्योतिष दिखाया जा रहा था, आज अभी टीवी पर बैठ के सब कुंडली बताते हैं सुबह सुबह की जो है आपका ग्रह राशि ये है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा विज्ञान का मजाक बनाया गया, इसलिए चेतना कहाँ से आएगी? धर्म से नहीं, धर्म तो अंधविश्वास ही बनाता है। हमारे यहाँ कबीर साहब पैदा हुए ना, कबीर साहब कहते थे कि मेरा तेरा मनुआ एक ऐसे एक हो ही रहे, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आखन की देखी। तो वो जो चेतना थी कबीर की, रैदास जी की चेतना थी, तथागत बुद्ध की चेतना थी, हमारी विरासत को हमने अपनी नई पीढ़ी तक जाने नहीं दिया। इसमें सारी सरकारें दोषी रहेंगे और उससे ज्यादा दोषी हमारा समाज रहा है। अब मैं प्रोफेसर हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैं अच्छे से अपनी क्लास लूँ, अपनी पढ़ाई करूँ, किताबें लिखूँ, पढ़ूँ, काम करूँ। उसके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि मैं नागरिक तैयार करूँ, मेरा पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट कोई अंधविश्वासी ना हो, वैज्ञानिक सोच वाला हो। तो इसलिए जो आपका सवाल है उसका जवाब प्रमोद जी यही है कि धर्म पर राजनीति इसलिए की जा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि हमको धर्म पर वोट मिल जाएगा। 5 साल कुछ मत करो, उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, राम राम, कब्रिस्तान, अल्लाह, हिंदू मुसलमान, यही सब कर रहे हैं। 21वीं सदी में 2022 में इस देश के लोगों को शर्म नहीं आती है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देते हो और वो आपको दंगाई बना रहा है? ये जब तक देखिए, जब तक धर्म जनता में जीवित रहेगा, अचानक आपके सारे विकास के काम को, हमारे यहाँ तो बहन जी ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर नोएडा तक आप जाएंगे ना तो सामंतवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद की छाती पर चढ़ करके कैसे अपने बहुजन नायकों को स्थापित किया जाता है, ये समझाएंगे आपको बहन जी की शासन प्रणाली में। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसने कितना काम किया, विकास किया, वो दोनों हार गए और आज कौन बैठ गया? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये सब करने वाले अगला किसको बैठेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि कई बार चुनाव इसलिए लड़े जाते हैं कि कौन हारे कौन जीते। मुझे लगता है इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए होना चाहिए कि कौन हारे,
किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों का शासन दोबारा नहीं आना चाहिए जो आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं, जो कब्रिस्तान पाकिस्तान ये सब कर रहे हैं। मैं इसीलिए उत्तर प्रदेश की आवाम से कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय के लोगों को ले आइए, और ये सरकारें जब बन जाएंगी तो इन पर भी नजर रखने की जरूरत है, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये भी भटक ना जाए, ये भी कहीं परशुराम का मंदिर न बनवाने लगे, ये भी एक चेतना। इसलिए मैं देखिए सारे जवाबों का एक निचोड़ विचार केंद्र में होना चाहिए। आरएसएस एक विचार का नाम है, वो एक नेता पैदा करता है, दूसरा को मार देता है, तीसरा पैदा करता है, हमारे यहाँ नेता बड़ा हो जाता है, विचार पीछे हो जाता है। इसलिए धर्म हो चाहे किसी भी तरह की मुक्ति हो, वो विचार से आएगी और धीरे धीरे आएगी। निजीकरण इस देश के लिए क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है? निजीकरण के लोग काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उससे ज्यादा जो खासकर बहुजन युवा है जो मीडिया पे देख रहे हैं लगातार उसका विरोध भी हो रहा है, क्या कारण है? हमारे यहाँ भोजपुरी में तो कहावत है कि आलसी गिरना कुआं में कलना भले आए, इसका मतलब ये होता है कि जो आलसी आदमी था वो कुएं में गिर गया तो उठाने लोग गए, कह अरे उठिए उठिए, तो कहने नहीं बहुत मजे में हम। ये देश के अनपढ़ जाहिल लोग जिनको आज तक यही समझ में नहीं आया कि राज्य राष्ट्र की जिम्मेदारी क्या होती है, राष्ट्र की पूंजी होने का मतलब ये है कि जनता का जनता के लिए जनता पर शासन, और निजी पूंजी का मतलब क्या होता है, केवल और केवल मुनाफा। ये निजीकरण का लाभ गिनवा रहे इस देश में, ऐसा कभी सोचे भक्तों की ऐसी जमात पैदा हो जो निजीकरण में लाभ खोज रही। और हमारे यहाँ ज्योतिबा फूले जब हंटर कमीशन से लेकर के तमाम जगहों पर बोलते थे ना, तो वो कहते थे कृषि हो शिक्षा हो ये राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बाबा साहब ने विस्तार में पूरा जो एजेंडा अपना चलाया, बैंक रेलवे शिक्षा वाणिज्य और उसके बाद फिर तमाम सूचना तकनीकी, उन्होंने कहा ये सब जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए, यानी सरकारी ये सब होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही शिक्षा रोजगार ये सब सरकारी नहीं रहेगा तो सब कुछ जब मुनाफा कमाने के लिए होगा तो पूंजीपति क्या करेगा, उसको सस्ता श्रम चाहिए, तो खूब बेरोजगारी समाज में फैलाएगा। अभी आप मीडिया काम करते हैं, आपका अपना है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक सरकारी नौकरी दूंगा जिसमें एक जीवन की गरिमापूर्ण सुरक्षा होगी जो बाबा साहब के संविधान में है, गरिमा है जीवन की, लेकिन आपको मैं कहूं कि आप मेरे इम्प्लॉय बन जाइए, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस काम का मैं 10,000 दूंगा, बेरोजगारी समाज में ज्यादा रहेगी, तो दूसरा आगे कहेगा हमको 8,000 दीजिए हम काम करने तैयार हैं, तो हम 10,000 वाले को रखेंगे 8,000 वाले को। इसलिए निजीकरण तो आपको चूसेगा, वो तो मुनाफा के लिए चलाएगा। अब इस देश में क्या किया जा रहा है, जितने सरकारी क्षेत्र थे वो सब बेच दिया जा रहा है। मेरे दो सवाल है, अगर सरकारी क्षेत्र बर्बाद थे, वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो कोरोना में जितना ज्यादा मुसीबत में जान बचाई गई वो तो सरकारी अस्पतालों ने बचाई, प्राइवेट अस्पताल तो बंद थे। दूसरी सवाल, दूसरा तर्क मेरा ये है, जब सरकारी चीजें बर्बाद हैं तो पूंजीपति उसे खरीद क्यों रहा है, वो अपना पैसा क्यों नुकसान कर रहा है? इसका मतलब इस देश की जनता से झूठ बोला जा रहा है कि हम मौद्रीकरण कर रहे हैं, हम प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब सरकारी चीजें बेकार हो गई और हमारा पैसा ज्यादा फंस रहा है, जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। एक मॉल शॉपिंग मॉल बन गया है ना, दुकानदार से टमाटर खरीदने जाते थे गांव के लोग ना, तो उससे कहते थे कि 10 रुपया किलो, तो 9 रुपया किलो दे दो, वो दे देता था, वो भी गरीब कमजोर आदमी था, आप भी 1 रुपया कम, आप जाइए 90 रुपया का टमाटर में 89 रुपये का टमाटर नहीं मिलेगा। ये दुनिया अब हैव्स और हैव्स नॉट। चौधरी छोटू राम कहते थे कि 90% कमेरा जात के लोग हैं और 10% लुटेरा है। इस देश में 1% लोगों के पास 73% पूंजी है और 1% लोगों के पास 90% जमीनें हैं। इस देश में पूंजीपति पैसा लेकर विदेश भाग जा रहा है। इस देश को निजी हाथों में बेचना आरक्षण का खात्मा है। इस देश को निजी हाथों में बेचना सामाजिक न्याय की हत्या है। इस देश का निजीकरण कर देना इस देश को बर्बाद कर देना है। इसलिए हम निजीकरण का विरोध करते हैं, और हमारे जितने वैचारिक पुरोधा थे ना वो राष्ट्रीयकरण की बात करते थे। बाबा साहब अपनी किताब में लिखते हैं राष्ट्रीयकरण होना चाहिए इन चीजों का, और आप देश में बात कर रहे हो, तो ये आपके सवाल का जवाब है।